हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिडिलसेक्स लंदन। ये मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, हैंगटन टाउन में सिचुएटेड है लंदन में, और हैंगटन टाउन इंडियंस का हब माना जाता है, उधर बहुत सारे इंडियन रहते हैं, तो आपको इंडिया जैसी फीलिंग आएगी। ये वाली यूनिवर्सिटी बहुत अफोर्डेबल भी है और ये मोस्ट अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी में आती है। इसके पहले अपन ने ये बात करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन और वेस्ट लंदन, वो दोनों भी मोस्ट अफोर्डेबल। बस ये तीसरी यूनिवर्सिटी है लंदन की जो हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी रैंकिंग की बात करते हैं। टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसकी रैंकिंग बताई गई है 800 से 1000 के बीच में, और कंप्लीट यूनिवर्सिटी गाइड के अनुसार ये 89 नंबर पर आती है। द गार्डियन के अकॉर्डिंग ये 109 पे आती है, और टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग ये 400 रैंकिंग अलॉट कर चुकी है, और US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के हिसाब से 2020 के हिसाब से इसकी रैंकिंग है 931। तो इसके हम नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्या कैसा है। अगर आप MBA प्रिपेरेटरी कोर्स कर सकते हैं तो ये रहेगा आपका 12 ईयर्स का, और सॉरी 12 मंथ्स का, और उसके बाद आपकी फ़ीस रहेगी 13 लाख अप टू 15 लाख। MEM करते हैं, इसकी ड्यूरेशन रहेगी 1 ईयर से लेके 1.5 ईयर्स तक, और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 10 लाख से 12 लाख के बीच में। BBA का कोर्स करते हैं तो 3 से 4 ईयर रहेगा कोर्स, और इसकी लिए आपको क्या कहते हैं ट्यूशन फ़ी रहेगी 12 लाख से लेके 12,40,000 के अप्रॉक्स। MS करते हैं, 12 मंथ से लेके 24 मंथ्स का कोर्स रहेगा, 11 से लेके 14 लाख अप टू आपकी कोचिंग फ़ीस रहेगी। MIM का कोर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा वन ईयर से लेके 1 ईयर 2 मंथ्स के लिए, और फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 11 लाख से लेके 16 लाख तक। BA या BTEC करते हैं तो आपका कोर्स रहेगा 3 से 4 ईयर्स का, इसके साथ आपको एक सैंडविच ईयर भी मिलेगा जिसको हम प्लेसमेंट वर्क प्लेसमेंट ईयर भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट, और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 11 लाख टू 12 लाख। MA करते हैं 1 ईयर का रहेगा, फी रहेगी 13 लाख के अप्रॉक्स। BSc करते हैं 3 ईयर का कोर्स रहेगा, और इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 12 लाख से 13 लाख के अप्रॉक्स। BHM करते हैं 3 ईयर्स का कोर्स रहेगा, 12 लाख फीस रहेगी, और अगर कोई फर्दर कोर्स करते हैं तो उससे अप्रॉक्सीमेटली हम आपको बता दें कि 10 लाख से अप्रॉक्स 13 लाख तक आपका खर्चा आ जाएगा, और बाकी आपको पता ही है कि लिविंग कॉस्ट आती है अप टू 8 लाख। तब हम सीधी कोर्सेज पे आ जाते हैं, कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटी में। सबसे पहला कोर्स है मास्टर ऑफ MBA की बात करें, 1 ईयर करेगा, 15 लाख की फीस मैंने पहले बता दी, और रिक्वायरमेंट्स है 6.5 IELTS में आपका बैंड चाहिए, अगर आपकी क्लास 12th में 70 अबव हो या 65 अबव हो। MSc इन डेटा साइंस और इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट, ये वाला कोर्स आप कर सकते हैं 24 मंथ्स का, इसमें भी 6.5 IELTS चाहिए और PTE चाहिए 58 पॉइंट्स के साथ। कंप्यूटर साइंस इन MSc 1 ईयर का कोर्स कर सकते हैं और PTE इसमें सेम रिक्वायरमेंट है। बिजनेस मैनेजमेंट एंड BA ऑनर्स कर सकते हैं, सेम रिक्वायरमेंट। MSc इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट, 1 ईयर का प्लेसमेंट भी आपको मिलेगा वर्क प्लेसमेंट ईयर। MSc इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, MSc इन पब्लिक हेल्थ, BSc इन नर्सिंग स्टडीज़, इसके लिए आपको पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, और आपका 12th में आपका मैथ प्लस बायो दोनों होना चाहिए। ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट मैनेजमेंट MSc इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट भी आपको मिलेगा 1 ईयर। कंप्यूटर साइंस इन BSc, ये वाला कोर्स कर सकते हैं BSc वाला, ये मोस्ट अभी रिलायबल कोर्स है UK के अंदर। MSc इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एंड पेन टेस्टिंग, MS LLB ऑनर्स कर सकते हैं, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, MSc इन बायोमेडिकल साइंस इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं। IELTS की अगर रिक्वायरमेंट अगर आपको मीट करनी है तो आपको CBSE बोर्ड में 65 चाहिए, और स्टेट वाइज बोर्ड में आपको 70% चाहिए, तो आपको IELTS का पेपर नहीं देना पड़ेगा ना PTE। बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी BSc ऑनर्स कर सकते हैं, ओके। MSc इन नर्सिंग कर सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया। बैंकिंग फाइनेंस कर सकते हैं MSc में, BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में कर सकते हैं आप कोर्स, 6 बैंड अप्रॉक्सीमेटली चाहिए अगर आपने IELTS कराया तो। इंटरनेशनल टूरिज्म मैनेजमेंट BSc ऑनर्स, MSc इन कंप्यूटर साइंस इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट, MSc इन साइबर सिक्योरिटी एंड पेंटेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट, ये सब आप कोर्स कर सकते हैं। तो हम क्रिमिनोलॉजी भी कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस एंड साइकोलॉजी MSc, और MSc इन रोबोटिक्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, MSc इन साइकोलॉजी कन्वर्जन कर सकते हैं, और बायोलॉजी कर सकते हैं BSc बायोलॉजी, MSc इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं, और MSc इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड देर इज एन नंबर ऑफ कोर्सेज यू कैन स्टडी, MSc इन डेटा साइंस, MSc इन मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट, MSc इन डिजिटल मार्केटिंग इंटीग्रेटेड प्लेसमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग BA ऑनर्स, मार्केटिंग एंड BA ऑनर्स, इस सेम कोर्सेज हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फीस स्ट्रक्चर भी अप टू
13 लाख अप्रॉक्स है, और इंटरनेशनल टूरिज्म एंड मैनेजमेंट MSc ऑनर्स, इंटरनेशनल आर्किटेक्चर BA ऑनर्स, बायोमेडिकल साइंस सेलुलर पैथोलॉजी MSc, बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये मास्टर्स के कोर्सेस हैं। तो अगर हम बैचलर्स के स्पेसिफिक कोर्सेस की बात करें तो बैचलर में कोर्सेस रहेंगी, अगर हम बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें, और हम अगर कंप्यूटर साइंस वगैरह से स्ट्रीम से देखें, आप कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स, डिज़ाइन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब कोर्स मैथमेटिक्स से करा तो आपने कर सकते हैं। और BA सोशियोलॉजी भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MSc इन बायोमेडिकल साइंस, ये सब आप कोर्स कर सकते हैं। MA इन फाइन आर्ट्स, BA ऑनर्स इन फोटोग्राफी, MSc इन इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक्स, एंड ये ऐसे आप कोर्स हैं। MSc इन अप्लाइड स्टैटिक्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, BA ऑनर्स, बेसिकली ऐसी यूनिवर्सिटी से आपको अगर MBA आप करते हैं तो आपको बहुत स्कोप रहेगा। 1 ईयर का आपका MBA कोर्स रहेगा, उसके बाद 1 ईयर का आपको प्लेसमेंट ईयर, वर्क प्लेसमेंट ईयर मिलेगा, और 2 ईयर्स का पोस्ट वर्क परमिट मिलेगा PSW। MSc इन कॉपरेटिव इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आप डिग्री ले सकते हैं, 1 ईयर BA ऑनर्स इन ग्राफिक डिज़ाइन, ये एन नंबर ऑफ कोर्सेस हैं जो आप कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली बैचलर्स के कोर्सेज की बात करें कौन से अवेलेबल हैं, कंप्यूटर साइंस LLB एंड लॉ की डिग्री, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी BSc ऑनर्स, BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंस BA ऑनर्स, ये सब हमने आपको बता दिए। बायोलॉजी में कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग ये भी कर सकते हैं, मार्केटिंग BA ऑनर्स भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी ये थोड़ा अच्छा है, BSc ऑनर्स बायोलॉजी में ये वाला कोर्स कर सकते हैं। अगर आप ये यूनिवर्सिटी बेसिकली आप बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जानी जाती है तो आप अगर MBA करती हैं तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगा इस वाली यूनिवर्सिटी से। और BA ऑनर्स इन एनिमेशन कर सकते हैं, बायोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी या BSc ऑनर्स कर सकते हैं, एंड BA ऑनर्स इन लॉ डिग्री। तो आज हमने सिर्फ कोर्स डिस्कस करे हैं, रिक्वायरमेंट्स की वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा कि आपको टोटल रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए किस कोर्स के फील्ड में। तो जब तक के लिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो आएगी यूनिवर्सिटी ऑफ किंगस्टोन एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सॉरी एम्पेरिकल कॉलेज लंदन के बारे में। ये इसमें से बेसिकली MBBS के बारे में बताया जाएगा, और इसमें और फर्दर कोर्सेज डिस्कस नहीं होंगे अगली वीडियो में। और एक रिक्वायरमेंट्स के लिए वीडियो मैं बना दूंगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके बेसिस पर आप डिस्कस